जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा हनुमानगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस अवसर पर हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, भाजपा युवा नेता अमित सहू, जिला कलेक्टर आदि अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज जनसुनवाई में माननीय सुमित जी गोदारा कैबिनेट मंत्री पधारे थे, जिनके मार्फत मैंने मेरे वार्ड संख्या 18 में दुर्गा कॉलोनी में पिछले साल परशुराम वाटिका का एक टेंडर हुआ था 2023 में जून में। वो काम किसी कारण बस हो नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, बस उसी मार्फत मिला था अभी पार्क का सौंदर्यकरण, क्योंकि पार्क का सौंदर्यकरण वो जर्जर हालात में है आज के टाइम। इस कारण वहाँ पर नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता है, और उस कारण वहाँ से पर के ग्रिल गुरुल कई चीज़ें गायब भी हो गई है। कई बार समर्सिबल भी की तारे काट के ले जाते हैं कभी। बस यही सुमित जी से गुहार लगाई थी गोदारा साहब से, गोदारा साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्दी आपके कार्य पर गौर किया जाएगा। आज से 25/7 को, आज से कम से कम 13 दिन पहले मटोरिया वाले ढाणी में गाँव में गौशाला में 30 गौवंश की हत्या की गई थी। निर्मम हत्या बोल सकते हैं हम उसको, कि पानी की जो डिग्गियाँ बनी हुई थी गौशाला बाउंड्री के अंदर, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर या तेजाब कुछ ऐसा पदार्थ उसमें डाला, जिससे 30 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। रात को 22 गायें खत्म हुई, उसके बाद में दूसरे दिन 6 गायें, फिर उसके बाद में और जो गायें हैं वो कम से कम एक दो गाय बाद में और मर गई। कुल 30 गौवंश की वहाँ पे हत्या की गई। और उसी बात को लेके हमने टाउन हनुमानगढ़ टाउन थाना में FIR भी दर्ज करवाई थी अज्ञात व्यक्ति के नाम से। और उसके बाद में हमने हनुमानगढ़ CO से भी बात की एक दो दफ़ा, तो वो बोले थे भी जांच आ रही है, जांच हमने जयपुर भेजी है। आज उस बात को पूरे 13 दिन हो चुके हैं, यानी कि किसी आदमी का अगर देहांत होता तो 12 दिन तक हम बैठते हैं, आज गायों का विचार कर 13वां दिन है। तो आज तक कोई रिपोर्ट, किस वजह क्या हुई, किस व्यक्ति ने उनको मारा, किस कौन सा जहर था जिसकी वजह से गायों की हत्या की गई, उस बात का आज तक जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव के लोग भी इस बात को लेके डर का माहौल है गांव में बना हुआ, कि गांव के लोग जो गौशाला में गांव की बहन बेटियां हैं, कूड़ लेके जाती है, दाना हरा चारा लेके जाते हैं गायों के लिए, आज वो डर रहे हैं कि गौशाला में अगर हम जाएंगे तो कल को कोई ऐसी घटना हो जाए और हमारे ऊपर किसी का नाम नहीं आ जाए। तो इस घटना की तह तक पहुँचना चाहिए प्रशासन को और इसका पता लगाना चाहिए। तो आज 13 दिन हो चुके हैं, आज हमारे प्रभारी मंत्री है जो हनुमानगढ़ आए हुए थे, उनसे मैं मेरे युवा साथियों के साथ में मिला और उनसे हमने निवेदन किया कि साहब 13 दिन हो चुके हैं इस गाय की, 30 गायों की हत्या की दिन हो चुके पूरे, अभी तक इसकी कोई जांच नहीं पहुंची, इसकी तह तक पहुंचा जाए और इसकी जांच लोगों के सामने लाया जाए। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।